हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आज हम कक्षा छठी से तक के बच्चों के लिए बनाए गए फुल कलेजर है, जिसका नाम है कहानियाँ। चैप्टर नंबर हमारा है 10। आइए शुरू करें। तो फ्रेंड्स, सीधा हमारा चैप्टर नंबर 10 नदी पर चले चैप्टर का नाम है। आइए रीडिंग शुरू करते हैं। एक जंगल में दो हिरण रहते थे। एक दिन पहले हिरण का मन नदी की उस घास पर घास चरने का हुआ। उसने यह बात दूसरे हिरण को बताई। दूसरा हिरण डर गया, उसने जाने से मना किया मगर पहला हिरण नहीं माना। उसने झट से नदी में रखे पत्थर पर छलांग लगा दी। वह बोला, देखो कितना आसान है नदी पार करना, तुम भी आ जाओ। पहले हिरण की बात सुनकर दूसरा हिरण ने भी एक छलांग लगाई। फिर उसने दूसरी छलांग लगाई। इससे उसकी हिम्मत बढ़ गई और उसने भी इस तरह से नदी पार कर ली। अब दोनों ने घास चरने लगे। तो फ्रेंड्स, ये हो गई मैं रीडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर पिक्चर। तो यहाँ पर इस हिरण ने उस हिरण को हिम्मत दी और इस घास तक ले आया चढ़ने के लिए, इन पत्थरों पर चढ़ चढ़ कर। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन 1, कहानी में से शब्दों को छाट कर लिखे जिसमें ना और ना आता हो। ठीक है, तो ठीक है छाट कर हम लिख के आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है मन, मना, करना, आसान, माना, दिन और नाम। मैंने इसका लिख दिया, आप लिख सकते हैं। आपको कुछ कोई और पता है तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2, आपके घर में पानी का उपयोग किन किन कामों के लिए किया जाता है। हमारे घर में पानी का उपयोग किन किन कामों के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर लिख के दिखाती हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारे घर में पानी का उपयोग कपड़े धोने के लिए होता है और बर्तन धोने के लिए होता है और भी अन्य कामों के लिए होता है। आपके आपको जो सही लग रहा है वो भी लिख सकते हैं, मैंने आप मेरा वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3, ई ऊ और ऊ की मात्राओं का प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। तो ये हमारी जो यहाँ पर शब्द यहाँ पर वो दिए गए शब्द बनाने के लिए, तो यहाँ पर इन शब्दों में से बनाने हैं शब्द। जैसे ये बनाया गया है हिरण, कीमत, कुछ, दूध, वैसे मैं आपको इसके आंसर लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आइए लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका आंसर लिख दिया जैसे। ठीक है, बिजली निकाली पहली, अपनी तू सुनकर दूसरे और पूछा। तो मैं इसके आंसर लिख रहा है, आपको जो ठीक लगे आप वो भी लिख सकते हैं, वरना मेरा वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 3 पर। ठीक है, तो सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन 4, ऐसे शब्द सुकृत अक्षर वाले शब्द बनाए जिसमें आधा वर्ण आता हो। उदाहरण हिम्मत और बच्चा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको इसके आंसर लिख के दिखाती हूँ, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कच्चा, हिम्मत, बच्चा, मम्मी, गुब्बारे, बिल्ली। आपको और कोई ठीक लगता है वो भी लिख सकते हो ना, मेरा वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन 5 चलते हैं। क्वेश्चन 5, छलांग लगाने वाले जानवरों के नाम लिखिए। छलांग लगाते हैं उनके नाम लिखने हैं, तो मैं आपको इसके आंसर दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है हिरण, शेर, बंदर, कुत्ता, बिल्ली। तो आपको कोई और पता था वो भी लिख सकते हो ना, आप मेरे वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर नंबर 10 कम्प्लीट होता है। एंड बाय बाय फ्रेंड्स।